संकट के बीच बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। आपदा समूह की बैठक में लिया गया फैसला। थोड़ी देर बाद बिहार सरकार के अधिकारी देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी। कोरोना को लेकर बिहार में पोस्टर वार। अब सीएम नीतीश पर ब्लैक पोस्टरों से किया हमला। विपक्ष ने जारी किया पोस्टर तो सत्ता पक्ष ने जताई नाराजगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को अपशब्द बोलने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। डॉक्टर के घर पर ड्रग्स विभाग का छापा। एम्बुलेंस भरी दवा हुई बरामद। तबाही मचाने आ रहा है चक्रवात यास। होगी भारी बारिश। झारखंड बिहार सहित कई राज्यों में दिखेगा असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर की बात करेंगे। बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य में जारी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बिहार में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 1 जून कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस सवाल पर विचार करने के लिए सीएम नीतीश कुमार कई अधिकारियों से संपर्क कर चुके थे। समीक्षा बैठक भी हुई थी और इसी को लेकर आपको यह भी बता दें कि थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी दी जाएगी कि किन किन इलाकों में कहां सख्ती है और कहां थोड़ी छूट दी जा रही है। और बिहार में कोरोना संक्रमण की दर रविवार को 3% पर पहुंच गई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 4002 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई और इस दौरान राज्य में 1,32,590 सैंपल की कोरोना जांच हुई। एक दिन पहले राज्य में कोरोना संक्रमण दर 3.11% था, जो रविवार को 3.01% हो गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 8,111 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए, जबकि 107 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.44% हो चुकी है। और बिहार में कोरोना का कहर भले ही थमता दिख रहा हो, लेकिन नई आफत ब्लैक फंगस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ब्लैक फंगस से रविवार को बक्सर में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत स्थानीय कोविड-19 सेंटर में हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले संक्रमण के लक्षण दिखने पर इन्हें एम्स पटना रेफर किया गया था, लेकिन परिजन जाने को तैयार नहीं थे और इस बीच रविवार की देर रात शख्स ने अपना दम तोड़ दिया। और कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर सियासत जारी है और ऐसे में इसे लेकर आपत्ति जताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब बीजेपी और प्रधानमंत्री पर पहले से ज्यादा हमलावर हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री की तस्वीर पर सवाल खड़ा किया है। मांझी ने कहा कि यदि कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है तो फिर कोरोना से मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी पीएम की तस्वीर होनी चाहिए। और इधर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीन अपने संसाधनों से खरीदेंगे, तो जब वैक्सीन का भुगतान राज्य करेगा तो फिर देश के प्रधानमंत्री का फोटो सर्टिफिकेट पर क्यों, राज्य के मुख्यमंत्रियों का क्यों नहीं, राष्ट्रपति का फोटो भी लग सकता है, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का क्यों नहीं, जिन्होंने सबसे पहले भारत में वैक्सीन की खोज की। प्रधानमंत्री स्वयं कहे कि राज्य मुख्यमंत्री वैक्सीन अपने संसाधनों से खरीदेगा, तो जब वैक्सीन का भुगतान राज्य करेगा तो फिर प्रधानमंत्री का तस्वीर क्यों, राज्य के मुख्यमंत्री का क्यों नहीं। दूसरा, किस वैक्सीन पर प्रधानमंत्री का तस्वीर क्यों, उस वैक्सीन पर महामहिम राष्ट्रपति जी का क्यों नहीं, उस वैक्सीन पर प्रधानमंत्री जी का क्यों, उस वैक्सीन पर उन विज्ञानकों और डॉक्टरों का क्यों नहीं जिन्होंने सबसे पहले भारत में इस वैक्सीन की खोज की। और अब वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है।
विपक्ष के साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी इसके खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी अपने मुखिया के सपोर्ट में उतरी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जिन्हें भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर से आपत्ति है, वे पहले जानकारी एकत्रित कर ले। जब कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान था, तब वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का आविष्कार किया, जिसकी सराहना WHO के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लोग कर रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री के चेहरे और भरोसे पर देश की जनता को उम्मीद है, और इसीलिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है। अपना बचाव के साथ साथ हम दुनिया के देशों को मदद भी कर रहे हैं। अगर जो ऐसे प्रधानमंत्री के कारण, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण इस प्रकार का हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो ऐसे प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि देश के लोगों का भरोसा और विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर है। अगर प्रमाण पत्र पर ईजाद करने वाले व्यक्ति और इसको रोकने में सक्षम व्यक्ति प्रधानमंत्री का अगर फोटो है, तो निश्चित तौर पे देश के लोगों का, आम लोगों के बीच में उनके प्रति और इस वैक्सीन के प्रति और कोरोना से बचाव के प्रति एक विश्वास पैदा होता है। एक तरफ बिहार में कोरोना का कहर जारी है, तो दूसरी ओर राजनीति भी चरम पर है, और ऐसे में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में पोस्टर लगाए गए थे, तो अब बिहार की राजधानी पटना में नीतीश सरकार के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं, और ये पोस्टर राजद कार्यालय के सामने लगाया गया है। वहीं नीतीश सरकार के विरोध में लगाए गए पोस्टर पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने नाराजगी जताई और पलटवार किया। क्या कुछ कहा अभिषेक झा ने, जरा सुनिए। पूरा देश, पूरा बिहार कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अब तो ब्लैक फंगस ने भी पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। इस विषम परिस्थिति में बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। लॉकडाउन लगाया गया, उसका नतीजा है कि लगातार रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या भी घट रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी कुछ लोग इस तरह की ओछी राजनीति करते हैं, ओछी हरकत करते हैं, यह बेहद निराशाजनक है और एकदम निंदनीय है। बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है कि किनके इशारे पर इस तरह की घटिया राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि ऐसी पार्टियों को बीते विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने अच्छा सबक सिखाया था। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार कई वादे करती है लेकिन धरातल पर विफल। ये तस्वीर अखिलपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जो 3 विधानसभा और 3 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं, जहां पर केवल उपचार के नाम पर खाना पूर्ति ही होती है, जहां पर इंजेक्शन जमीनों पर फेंके गए हैं। देखे सारण के अखिलपुर गाँव के उप केंद्र की ये रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां सरकार लाख दावे करती है, और खासकर यदि हम सारण की बात करें, तो सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कुछ ही दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपनी, कह सकते हैं कि जितनी भी खूबियां हैं, अपने जो काम हैं, कार्यों को गिनाया था जनता के सामने। उन्होंने ये कहा था कि एम्बुलेंस के मामले में, स्वास्थ्य जो चिकित्सा है उसके मामले में सारण अव्वल नंबर पर है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। यह रिपोर्ट देखिए। विकास किस तरीके से होता है, इसकी जानकारी आज हमको आपको देंगे। आप पहले ये तस्वीरें देखें, ये उप स्वास्थ्य केंद्र की है, जो अखिलपुर स्वास्थ्य केंद्र है, 3 विधानसभा के अंदर ये स्वास्थ्य केंद्र जो है, उप स्वास्थ्य केंद्र आता है। पहला दानापुर, दिघा और सोनपुर। जो सांसद हैं यहाँ के, राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद कई सालों से हैं। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि बीते दिन उन पर एम्बुलेंस मामले को लेकर भी काफ़ी चर्चित हुए थे। आप इस जगह को देखें पहले, ये उप स्वास्थ्य केंद्र का वो कमरा है जहां पर वैक्सीनेशन होता है। ये वो सारी सिरिंज हैं और जो दवाइयां हैं जिससे वैक्सीनेशन की जाती है। अगर इस तरीके से वैक्सीनेशन होगा तो उन लोगों का क्या होगा जो भगवान के लिए
भगवान के भरोसे यहाँ पे हैं, क्योंकि ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये कितनी दयनीय है। बीते दिन हमने आपको और भी उपस्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन यह राजधानी पटना से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखें, ये अकिलपुर जो जगह है वहाँ की ये स्थिति है। और बीते दिन सरकार कहती है कि हम स्वास्थ्य विभाग को काफ़ी हद तक ठीक कर चुके हैं, लेकिन ये चरमराई हुई व्यवस्था कहीं से भी आपको स्वास्थ्य विभाग की अच्छीपन या अच्छा जो कहते हैं वो नहीं दिखा सकती है। ये आप गेट देखें, ये सारे गेट लगे हुए हैं। ये अकिलपुर उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं बैठते, नर्सें भी नहीं बैठती हैं। हालांकि कभी कभी यहाँ वैक्सीनेशन ज़रूर होता था, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया है। 3 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर आने वाले इस उप स्वास्थ्य केंद्र की यह हाल देख कर आप खुद दंग हो जाएंगे। पहले ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीर है कि जो गायों के खाने के लिए चारा होता है वो यहाँ रखा हुआ है। ये उस स्वास्थ्य केंद्र का है तस्वीर जहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी वो आप खुद समझ सकते हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखें, यह भी आपको बिहार की सच्चाई से रूबरू कराएगी, क्योंकि यह हकीकत हो गया है बिहार का। और जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरीके से काम कर रहा है ये भी आप देख रहे हैं यहाँ के कुछ लोगों से। आइए बैठ जानते हैं कि क्या स्थिति है। आपका नाम क्या हुआ? देवेंद्र पाठक। कितने दिनों से स्वास्थ्य केंद्र बंद है? बंद तो इस तरह नैनम आती है, एक दो रोज रहती है, अपना पोलियो वोलियो का इंजेक्शन देती है और फिर चले जाती है। तो कोरोना जो महामारी चल रही है, क्या जागरूक किया गया यहाँ पे किसी को? यहाँ पर एक रोज 80 वैक्सीन पड़ा है, 80 लोगों को पड़ा है, और एक रोज 100 आदमी को पड़ा है, और दूसरा टर्म में 15 आदमी को वैक्सीन पड़ा हुआ। अरे नर्स तो बोलती है कि जहाँ जाना है जहाँ जाओ, हम नीतीश सरकार के आदमी हैं। दो अथी साल में हमारा बोला था कि 3 दिन आता है। कोरोना का जांच भी किया गया है? नहीं, जांच नहीं किया गया, वो बाद में जांच हुआ है। बाद में जांच किया गया? हम लोग को जो अगला महीने में सुई लिए थे वैक्सीन। अच्छा, यही दिया। दूसरा इंजेक्शन के लिए क्या बोला? दूसरा का इंजेक्शन के लिए बोला कि अब 83 दिन के बाद मिलेगा आप लोग। आज तक हमने कभी यहाँ कोई डॉक्टर को कार्यरत नहीं देखा विधिवत, कि आकर के किसी की चिकित्सा किया हो, दवा दिया हो, ऐसा नहीं देखा। कोई नर्स वगैरह कोई माने या कोई कंपाउंडर। दिगवारा के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर हैं अधीक्षक, क्या उनसे आपकी बात हुई कि कभी यहाँ पे किन्हीं को भेजा जाए, क्योंकि इतना बड़ा प्रखंड है, 3 सांसद का क्षेत्र है। क्या हमने सारण सिविल सर्जन के यहाँ भी कॉन्टैक्ट किया और यहाँ की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया है, और अभी हम बहुत जल्दी फिर उनसे मिलने वाले भी हैं। हमने सूचना दिया है कि हम मिल के यहाँ के बारे में विस्तार से बताना चाहते हैं जी। करते हैं, लेकिन अभी तो कोरोना के टाइम में उतना नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह से और वीडियोस के द्वारा जो है अपनी बात पहुंचाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा फैलाया गया है। हमें तो लगता है कि वो काम करते हैं, लेकिन इस पंचायत में खास करके कोई भी नेता हो, चाहे वो यहाँ के विधायक रामानुज प्रसाद ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल काम जो है नहीं करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? प्रताप सिंह। तो आपने साफ तौर पर सुना कि यहाँ के सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे जो धरातल है, ये जो अस्पताल है, ये सिर्फ नाम का अस्पताल है, और इसी अस्पताल के भरोसे बिहार सरकार कोरोना को बिहार से भगाएगी। जो डेथ रेशियो है वो करीब 100 है, अगर ये हाल रहा तो 100 को 1000 पार करने में समय नहीं लगेगा। और जो स्थिति बन रही है, जो कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, अगर ये स्थिति रही तो संक्रमण भी बढ़ता चला जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना। और ये स्थिति है उपकेंद्र की, जहां सच्चाई, वादे तो कुछ और होते हैं लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और होती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे औरंगाबाद की, जहां श्राद्ध कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। ये तस्वीरें हम आपको जहां दिखाने वाले हैं, ये तस्वीरें हैं जमहोर थाना क्षेत्र के कुड़वा गांव की, जहां स्वच्छताग्रही जय किशोर कुमार के दादा के श्राद्ध कार्यक्रम में बार बालाओं का आयोजन किया गया, और यहां कोरोना प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ी। आपको बता दें कि एक तरफ सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को सावधान करते हुए जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वच्छता अभियान के स्वच्छताग्रही ही इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और वैशाली में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वैशाली के महानार
अनुमंडल अंतर्गत महनार बाजार के गंगा में लॉकडाउन के नाम पर दुकानदारों से अवैध वसूली करते हुए महिला पुलिस अधिकारी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वायरल वीडियो में महिला थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर और पूर्व महिला थानाध्यक्ष सरिता चौधरी हैं, जो दुकान बंद होने के बावजूद दुकानदारों पर जबरन एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रही हैं और उन्हें डराकर अवैध वसूली की जा रही है। इस मामले में महनार थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट वैशाली एसपी को सौंपी है, जिसके बाद एसपी ने आरोपी महिला ऑफिसर से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है और आरोप सत्य पाए जाने पर अग्रसर कार्यवाही की जाएगी। मेरा बंद था और हम अंदर ही थे, घर की दुनिया है हम लोग का, हम अंदर सोए हुए थे। दोपहर करीब 2 बज रहा था, तो वो आया, बाइक लगाए हुए थे, देखो यहाँ पर बाइक लगा, क्योंकि उसमें 6 पर जाता है। तो बाइक लगाने के बाद वो पैर से मारने लगे, बोले कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो सर क्या बात है, तो बोले कि तुम दुकान खोले हुए हैं। सर दुकान कहाँ खुला हुआ, तो की है 2 बजे, दुकान हम लोग का बंद था, तो सब सोए हुए हैं। खुलता है कि बाहर से बुलवा करके अपना दुकान सील करवा दे बाहर से, तो हम डरते डरते दुकान खोले। दुकान खोलने के बाद एक लेडीज ड्रेस में थी, पुलिस लिबास में, एक जेंट्स था, सादा टी शर्ट पहने हुए था। और बिहार का पूर्णिया जिला इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जिले के बायसी थाना क्षेत्र के मझुआ गांव के महादलितों पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। यहां 19 मई की रात मानो महादलित बस्ती के लिए काल बनकर आया था। जरा ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का पूर्णिया जिला इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जिले के बयासी थाना क्षेत्र के मझुआ गांव के महादलितों पर परेशानियों का पहाड़ टूटा है। यहां 19 मई की रात मानो महादलित बस्ती के लिए काल बनकर आया और देखते ही देखते कईयों को घायल कर दिया, तो पूर्व चौकीदार मेवालाल राय के लिए ये रात आखिरी रात बनी। वहीं इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी लोगों में डर का माहौल है। अचानक गांव में हम लोग का घुस गया, आग लगाते हुए जब हम लोग भागने लगे तो रास्ते में इसको मार डांग किया और पैसा छिनदाई कर लिया और हाथ जख्म कर दिया और तलवार लेकर के उसको मारने के लिए जा रहा था। हम तो आगे बढ़ गए, ये जमीन पर गिर गया, उसके बाद इसका बच्चा लेकर के खुदे खुदे गया। घटना को लेकर लोगों का कहना है कि 19 मई की रात को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने महादलित बस्ती में लोगों के साथ पहले मार पिटाई की और फिर एक एक घर को चून चून कर आग लगा दिया, जिसमें कई घर जलकर राख हो गए। वो चरने लगा, अपन में भाग गए वहाँ से, सैकिल का इसे मारा है, मोटरसाइकिल का चैन पीठ में, तलवार से मारा है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे कई वरीय अधिकारियों ने हमला करने वाले पक्ष पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और घटना में पीड़ितों को मुआवजा भी दिया है। पूर्णिया की घटना को लेकर जिला प्रशासन ने प्रेस रिलीज भी जारी कर सफाई दी। प्रेस रिलीज में कहा गया कि सोशल मीडिया पर भ्रांति फैलाई जा रही है कि आरोपी कहीं बाहर से आए थे। वहीं सहायता को लेकर के भी जिला प्रशासन ने तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। वहीं बयासी थाना में 3 एफआईआर दर्ज कर अब तक 2 नामजद लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन की जांच से पीड़ितों को इंसाफ मिलता है या पीड़ितों को न्याय के लिए बरसों अभी आस लगाना होगा। डीटीवी भारत के लिए पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट। और गया की बात करेंगे, जहां गरुआ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 9 महीने की मासूम की उसके चाचा ने ही धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। हालांकि घटना का कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि आपसी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और वहां
पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और नालंदा के रहुई थाना में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दे कि घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रहुई के सैदल निवासी रुदल यादव की पत्नी अंजू देवी का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी कड़ी में वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। बता दें कि 21 मई को मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के साथ पटना रेलवे स्टेशन से पकड़कर रहुई थाने को सौंप दिया था। वहीं अब महिला ने थाना परिसर में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। थाना परिसर में हुई आत्महत्या की इस घटना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरीय अधिकारी भी जांच में जुटे हैं। सवेरे भर आए हैं, हम कहें हम भी चले सर, तो नहीं तुम सवेरे आना थाना पर, थाना पर हम आए तो हम तो फिर बिहार थाना हम केस किया था वो सर अपहरण वाला, बिहार थाना हमको उठा के ले आए, उसके बाद कहानी पूछे हमसे, हम सारे कहानी विवरण बताए। थाना में एक महिला आत्महत्या करने के बाद आई, इस संबंध में हम लोगों के द्वारा NHRC गाइडलाइंस के अनुसार पूरा प्रक्रिया किया गया है और इस संबंध में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी और तत्काल प्रारंभिक जांच की, इसमें तीन पुलिसकर्मी और पदाधिकारी का लापरवाही। और बेगूसराय में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक दुकानदार की भी हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के NH 28 का है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से वापस आ रहा था और इसी क्रम में एक ट्रक ने उसकी बाइक में भीषण टक्कर मार दी जिससे मृतक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे रानी गोदना, तो महारानी पेट्रोल पंप तेघरा आसपास फुलवरिया थाना क्षेत्र में है, कोई अज्ञात वाहन में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और और बात करेंगे पटना सिटी के जहां नदी थाना क्षेत्र स्थित सरिया फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नदी थाना क्षेत्र में स्थित नीलकमल सरिया फैक्ट्री में स्क्रैप में रखा छोटा खाली सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। और नवादा के बिहार शरीफ पथ पर गोंडवा मोहल्ले के पास एक शोरूम से चोरों ने लगभग 20 लाख रुपए से ऊपर की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित दुकान मालिक ने बताया कि चोरों ने ग्रिल काटकर छत के सहारे शोरूम में प्रवेश किया, फिर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित ने आगे बताया कि चोरों ने लगभग 45 मोबाइल, नगद रुपए, उपहार में देने वाले सोने की अंगूठी, डिनर सेट समेत अन्य सामान चोरी कर लिया है जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। सरायकेला खरसावां में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सरेआम धमकी देने वाले डॉक्टर ओपी आनंद पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। रविवार को पुलिस ने जहां डॉक्टर ओपी आनंद को गिरफ्तार कर लिया था, तो वहीं सोमवार को उनके घर पर ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। छापेमारी में डॉक्टर के घर से एम्बुलेंस भरी दवा को बरामद किया गया है। अब उनके खिलाफ एक और FIR दर्ज करने की तैयारी चल रही है। उधर डॉक्टर ओपी आनंद की पत्नी से भी उनकी आवास पर पूछताछ की जा रही है और इसके पहले करीब एक हफ्ते से चल रही जांच के बाद पुलिस टीम ने डॉक्टर को आदित्यपुर 2 के मार्ग संख्या 4 स्थित आवास से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आदित्यपुर से गम्हरिया थाना, फिर वहां से सरायकेला थाना ले गई जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हीं के नाम से दर्ज है, ओपी आनंद जी, तो उनसे पूछना होगा या जो भी यहाँ के प्रिंसिपल है उनसे पूछना होगा कि किन्होंने यहाँ किस परिस्थिति में इनको इस एम्बुलेंस को यहाँ पे लाके रखा गया है और ये कौन उसका ओनर्स लेते हैं, उसके ऊपर FIR किया जाएगा। अभी दवा का जाँच करना बाकी, हम लोग वेट कर रहे हैं ओनर जो दवाई का जो ओनर्स लेगा कि हमारा है उसके ऊपर भी FIR। जी बिल्कुल, तो लेगा ही नहीं फिर जी, जो एम्बुलेंस जिसके नाम से है उसके नाम से दर्ज है। और झारखंड में पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड थाना क्षेत्र में दंडाधिकारी सरल कुमार द्वारा ई पास चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान बिना ई पास के लोगों का चालान भी काटा गया। गौरतलब है
कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सूबे में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है और इस दौरान जिला प्रशासन लगातार सड़कों पर उतरकर विशेष चेकिंग अभियान चला रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र सोमवार को तूफान यास में तब्दील हो चुका है। अब यह तूफान उत्तर पश्चिम की ओर से आगे बढ़ रहा है और करीब 24 घंटे बाद मंगलवार से इसका प्रभाव देश के मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। इससे 26 मई को पश्चिम बंगाल व ओडिशा के समुद्र तटों से टकराने की आशंका है और इसको लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दावते का खतरा अभी टला ही नहीं कि यास नामक तूफान ने दस्तक दे दी। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव वाला क्षेत्र सोमवार को तूफान यास में तब्दील हो गया। 26 मई को तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्र तट से टकराने की उम्मीदें हैं। ऐसे में देश के मैदानी भागों में जमकर बारिश के आसार हैं। बिहार में भी काफी बारिश होगी, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद 26 मॉर्निंग में ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट के नज़दीक पहुंच जाएगा और 26 इवनिंग ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा बिटवीन पारादीप एंड सागर आइलैंड एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं यास तूफान के खतरे को देखते हुए रेलवे ने भुवनेश्वर, पुरी, यशवंतपुर आदि स्टेशनों से चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है और एनडीआरएफ को तैनात कर दिया है। देखिए, ये जो साइक्लोन है ये आईएमडी के अनुसार ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो साइक्लोन साउते था वो भी एक इनिशियली बहुत अंत अंत तक भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी। हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। वही मौसम विभाग की माने तो बंगाल और ओडिशा में तेज हवाएं चलेगी, साथ ही इसका असर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी पड़ेगा। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत, पटना। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।